क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे ये वेरीफाई करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस हिसाब से है, मुझे ये वेरीफाई करके बताना है। हमारे पास फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड की फॉर्मूला हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हमारे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इसको हाफ से डिवाइड करूँगी और ये टर्म को मैं हाफ से टू से मल्टीप्लाई करूँगी। इसको मैं हाफ कर दूंगी और यहाँ पे मैं पूरी टर्म को टू से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। सो हो जाएगी हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स, हमारे पास ऐसी टर्म बन गई है। सो हम लोग पहले तो इसका मिडिल टर्म फाइन कर लेंगे। यहाँ पे मेरा आ जाएगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखने जाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर में से हम लोग स्प्रिट आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर दो बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और बाकी सारी टर्म को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सो देखने जाएंगे तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा लास्ट टर्म हो गया और ये इसका मिडिल टर्म हो गया। सो दैट मीन्स मेरा फर्स्ट पैर बन जाएगा दैट इज ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सेम वे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका ये मिडिल टर्म हो जाएगा। जेड का ले लेते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मेरा फर्स्ट टर्म और ये मेरा सेकेंड टर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस जेड स्क्वायर। अभी हम लोग ये एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर बच गया और उसका मिडिल टर्म ये हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा पूरा वेरीफाई हो जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड हाफ वेरीफाई करके लेते हैं। हम लोग को लिखा हुआ है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम लोग जीरो लेंगे, सो हम लोग को बताना है कि ये जो है वो कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। तो हमारे पास पहले तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का फॉर्मूला हम लोग के पास है, हम लोगों ने अभी आगे किया। दिस विल बी अवर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है एक्स वाई प्लस वाई जेड सॉरी माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गई, ये हमारी एक आइडेंटिटी हो गई। और मुझे बोला है कि अगर मैं इसको ज़ीरो ले लूँगी, सो यहाँ पर मैं पूरा टर्म कॉपी कर लेती हूँ। उसी बेसिस पे आपको नीचे सारे सम देखने को मिलेंगे, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये वाली टर्म कॉपी कर लेती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस थ्री एक्स वाई जेड, मैं थ्री एक्स वाई जेड को सामने की डायरेक्शन में डाल देती हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। सो आपको यहाँ पे वेरीफिकेशन मिल गया और मुझे यही वेरीफाई करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।